तो मेरी प्यारी जनता कैसी है, होप अच्छी होगी और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइल्स मोरालेस। पता नहीं क्यों स्पाइडरमैन के गेम्स खेलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट ठीक है ना यार, कोई टेंशन नहीं है, स्टोरी मोड आराम से हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये अच्छे भी तो होने चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करने से वो कोई फायदा नहीं है। तो लास्ट के वीडियोज में हम लोगों ने सबसे पहले एपिसोड में तो हम लोगों ने राइनो को हराया था, सबसे पहले ही एपिसोड में हराना पड़ा था। दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने नया सूट अनलॉक किया था जो तुम लोग देख ही रहे हो, और ये बहुत प्यारा सूट है और इसके साथ एक दो सूट अपने को और भी मिले हैं, बट सबसे अच्छा यही लगा तो यही पहन के रखते हैं इसमें। और उसमें हम लोगों ने स्पाइडरमैन के होलोग्राम से ट्रेनिंग लिया था और होलोग्राम के बीच में कुछ एक्चुअली विलेंस भी आ गए थे बीच में, तो उनको भी लपेटना पड़ा था, हम लोगों ने सबको लपेट दिया था भाई। लास्ट वीडियो के एंड में हम लोगों को फीन ने बुलाया था, फीन तुम लोगों को नहीं पता हो, फीन हमारी एक दोस्त है, लड़की है, और उसी से हम लोग अभी मिलने जा रहे हैं। और ये हम लोग साइंस सेंटर पे पहुंच चुके हैं और अंदर चल के देखते हैं कि क्या बात है, क्यों हम लोगों को बुलाया गया है, ऊपर क्या कर रही है, ऊपर से कूद जा, क्या पता तू भी सुपरमैन की तरह कूद सके। लेकिन पता है माइल्स में जो ठंडी का माहौल है ना भाई, बहुत मस्त है, बहुत मस्त, मतलब आय हाय हाय हाय, क्या व्हाइट थीम क्या लगता है, और ऊपर से स्नोफ्लेक्स जो गिरती रहती हैं। अच्छा एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स है, तो टकले चाचा ने हम लोगों को कुछ दिया था बॉक्स जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है, और हम लोग उसी पासवर्ड को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइल्स एक काम करो, वेब निकाल, डब्बे को पकड़, घुमा के पटक, अपने आप खुल जाएगा। कितना तो बेस्ट तरीका है। अच्छा याद है भाई, ये क्या है, स्पेस बाउंड, एक फोटो बक्से में, ये रखने का चीज क्या है भाई, फोटो कौन रखता है मतलब बक्से में। Next time we hang, no secrets. कहा जा रहा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोई सीक्रेट नहीं रखते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं। माइल्स थोड़ी बता देगा कि वो स्पाइडरमैन है, आई मीन न्यूयॉर्क का एकमात्र स्पाइडरमैन, स्पेस बाउंड, फिन मैनसन, माइल्स मोरालेस, साइंस सेंटर अवार्ड है भाई, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं भाई, अच्छी खासी लोकेशन पे। जस्ट देखो यूं, ये कहाँ आ गए भाई, मतलब ट्रैवल करने का एक यही तरीका था। ये क्या है, ट्रेन में डांस कौन दिखाता है भाई। अभी कपड़े तो बदलने होंगे क्योंकि घर जा रहे हैं। गैंग की हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त है, जैसा स्पाइडरमैन का वो था ना यार, हैरी, ये भी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। मार्केट घूमने आए क्या वैसे भाई, रात को क्या सीन लग रहा है यार, ओहो क्या तो पेंटिंग है, मजा आ गया। फिलहाल अगर हम लोग जा रहे हैं एक रैली में, आई थिंक ये वही है रियो मोरालेस। ओहो यहाँ पे रॉक्सन के सिक्योरिटी भी है। भाई इसको याद आ रहा है भाई कि ऐसे ही स्टेज पे, मतलब स्पाइडरमैन के सीरीज में तुम लोगों को देखा होगा ना कि स्टेज पे ही इसके मतलब माइल्स के डैड का डेथ हो गया था, मिस्टर नेगेटिव, जिन लोगों को नहीं जानते, मार्टिन ली भाई। ये फिर नहीं, नहीं ये पर्पल गैंग, इसको तो हम पर्पल गैंग ही बोलेंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। साइमन क्रीगर इज अ किलर भाई, ये सब बातें तो होते रहेंगे। फिलहाल तुम लोग ग्राफिक्स देखो, आ गया पर्पल गैंग वाले। अरे भाग कहाँ रहे हो भाई, तुम लोग सिक्योरिटी वाले हो, भाग। हाँ हाँ फाइट 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 हो रही, फाइट हो रही। तो माइल्स की मॉम को लेके जाए यहाँ से, और हम लोग आते हैं स्पाइडर सूट में और बच जाते हैं इनके। ओहो सूट पहन के आ चुके हम लोग, अब फाइट चालू होगी ना असली वाले, आ जाओ। अरे भैया पिट पिट पिट, आ जाओ, थोड़ा एक्शन में पिटना भी जरूरी होता है कभी कभी, लाइक दिस वन। और फुल चार्ज होने के बाद, ओ भाई भाई भाई, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वेट वेट वेट, सबसे पहले बुलेट वाले, ठीक है, गन चलाना भी इन लोगों को बहुत ज़रूरी है यार। खैर स्पाइडी से पिटने के, ओके वैसे ओ ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो, पता नहीं किसको लगा बट जिसको भी लगा मजा आ गया, ये ले। अरे नीचे कहाँ चला गया, अरे यार मर गया यार बेचारा। दूसरे गन वालों से फाइट लेने का वक्त आ गया है, दूसरे बिल्डिंग पे। ओ, 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 ओ गन वाले को एक काम करते, थोड़ा स्पेशल एबिलिटी से मारते, ठीक है। ओहो नाइस डॉज, अब देखो कैसा था ब्रो, मजा आए। और इसको एक्शन में भी पीट लेते हैं थोड़ा सा, अरे यार तूने एक्शन बिगाड़ दिया, शिट शिट शिट, हम लोगों को भी लगा ग्रेनेड का डैमेज, फिर से कोई गन वाला यार, ले थोड़ा एक्शन वैक्शन चलते रहना चाहिए।
हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि सबको एक्शन में मार सके। खैर देखो जैसे अभी आया, अभी इसको एक्शन में मारेंगे, मस्त। ओहो मजा आ गया। इन लोगों को रुकना, आराम से पीट के आते हैं भाई। वैसे इनके गन पसंद है यार, अगर स्पाइडी नहीं होते ना जरूर जरूर ये लो। हो भाई साहब, भाई वो मर तो रहे होंगे यार। फिर से गन वाला, कोई गन वालों को उससे मारते हैं, ठीक है। अरे भैया मजा आ गया। अरे ब्लास्ट हुआ, बहुत गंदा, एक बहुत गंदा अभी एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत गंदा, जो कि हम लोग को बहुत दूर से दिखा है। अभी जा रहे हैं और अपने साथ हेलीकॉप्टर भी, और मॉम का कॉल आ रहा है यार। हाँ हाँ सेफ है, उन्हें थोड़ी पता है कि हम ही लोग तो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं फाइट को। ये जो अंकल आ रहे हैं ना, इन्होंने ही हमें वो सब्बे का पास दिया था। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग, भाई बहुत तगड़ी वो हुई है। अच्छा यहाँ पे पर्पल गैंग है और रॉक्सन के सिक्योरिटी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लड़ाई नहीं लड़ाई नहीं। ये कौन है? अरे वो तो अभी स्क्रीन पे आई थी ना, मिल लिया। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी, मारा क्यों यार, मारा क्यों अभी? अरे भाई ये लोग कुछ चुराने आए हैं बे। भाई इतने तगड़े तगड़े तो वेपन्स लेके रखे हुए, अब क्या चुराना है तुम लोगों को? ये कैसी एनर्जी है भाई, डब्बे में पैक। ओहो इलेक्ट्रिक चार्ज, हट जाओ सालो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे एक मिनट फिन, ये क्या है? फिन माइल्स की दोस्त विलेन है, पर्पल गैंग की लीडर है। अरे वो गंदा ब्लास्ट होने वाला है। अरे भाई भाई हम तो अभी तक सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिन पर्पल गैंग की, फिन ने पर्पल गैंग कब ज्वाइन किया? और यही कह रहे हैं कि लोग सीक्रेट बताएंगे, ये लोग नहीं बताने वाले एक दूसरे का सीक्रेट भाई, सिंपल से। बट हाँ माइल्स को तो अब पता है। फिलहाल भाई हम लोग फुल्ली चार्ज हैं और इन लोगों को मारने का एक्चुअल वक्त आ चुका है। देखो भाई हमारे साथ धोखा हुआ है क्या यार, कितने अच्छे दोस्त हैं यार। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तुम लोग फाइट का मजा लो भाई आराम से। ओहो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके सुला दिया। हटना यार इससे, राइनो तो बच ही नहीं पाया था, तू क्या एक छोटी सी शील्ड लगा के बच जाएगा हैं? इतना आसान है क्या? अरे भैया मारो मारो मारो, मजा आ गया। हील लेंगे थोड़ा सा, ओके ओके ओके, अभी हील और चाहिए थोड़ा सा, बट अभी ज़रूरत नहीं है। इस ग्रेनेड को हम लोग इस पे थ्रो करेंगे। भाई वैसे इन लोगों के कपड़े फीन जैसे ही क्यों लग रहे हैं? कपड़े सेम लग रखे हैं सब ने। भाई पिछली ट्रेनिंग में जो सीखा उसको यूज़ भी तो करना है। देखो लाइक दिस वन, नहीं ये नहीं, देखो दिखा रहे देखो। अरे यार शिट यार, वो नेट ने बर्बाद कर दिया। ये देखो इसको हवे में बुलाया और हवे में, ओहो आओ किसी को हवे में बुला के एनिमेशन में मारते, क्या बोलते हो? ये देखो, अरे भाई साहब मजा आ गया यार, इसको भी बुलाते हैं हवे में। भाई हवे में फाइट करने का अलग मजा है। ओ ओ ओ, हील 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 चाहिए, हील चाहिए हील चाहिए, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हम लोग। और गन वाले लोगों से सख्त नफरत है। ब्रिज टूट रहा है भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ना, या फिर निकल चुके हैं, लगता तो नहीं कितने सारे फाइट में कोई बचा होगा। गाड़ियों तो खाली हैं आराम से, वैसे कार्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यार। संभाल ले संभाल ले माइल संभाल ले, गया नहीं। ओ हो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो तब मजा आया ना भाई। इन लोगों को बचाना है हम लोगों को, बट कैसे? आजा टैंकर को खोल के पानी गिराते हैं और ये यहाँ से तुम लोग निकलो भाई। बोला ना कुछ लोग थे, ऐसा लगा नहीं था इतने फाइट में ये लोग क्या मूवी शूटिंग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो फाइट में किसी को बचाते नहीं हैं, लेकिन हाँ रीले पूरी बनानी है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई मेरे रुक जा, अरे इधर निशाना लगाना है। हाँ आजा 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 आजा, अरे ये तो इजी था यार। नहीं
अरे नहीं 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 भाई साहब, रुक जाओ, इतना आसानी से नहीं जाने देंगे तुम लोगों को। टेंशन मत लो। बोट? अरे भाई साहब, ये नीचे बोट क्या नसीब है भाई, नीचे आ रहे हैं यार। ये फिर से कुछ लोग फंस गए भाई। तुम लोग कहा था ना घर भाग जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो रीले बनानी है भाई साहब। ओरे यार भाई, मुझे आ गए। ओके, सारे चीज़ों को हम लोगों ने फिक्स कर दिया। फिलहाल ऊपर चलना है, इधर के लोगों को बचाना है हम लोगों को, ठीक है। इस ट्रेलर को हम लोग अगर उधर से खींच ले तो काम बन सकता है। अरे है यार, क्यों स्पाइडी, रुक जा। हाँ, अगर उसको हम लोग खींच ले आराम से। अबे रुक, बचा लेंगे, टेंशन मत लो। यस, आ जा मेरे भाई। भाई साहब पावर, अरे यार भाई माइल्स के फैन हो गए यार। नहीं, गिरने तो नहीं देंगे, टेंशन मत लो। जब तक स्पाइडरमैन है तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात। अगली बार से याद रखना है भाई लोग कि वीडियो नहीं बनाया करते, घर भागा जाता है ऐसी लड़ाइयों के बीच में, ठीक है। अरे भाई साहब, इसको तो पूरा सिनेमैटिक इफेक्ट्स मिल रहा है। ओए होए, सारे शेल्स गिर गए भाई। वैसे उन लोगों ने चोरी काफ़ी कुछ कर लिया होगा, हम लोगों ने बहुत सारे सिविलियंस को तो बचा लिया, बट फीन यार। ये रॉक्सन के सिक्योरिटी भाई, तुम लोग उस टाइम से कहाँ थे। सारे बंदों को तो हम लोगों ने मारा है, सारे सिविलियंस को तो हम लोगों ने बचाया, और पैसे तुम्हें मिलते हैं। अरे अरे भाई, एक तो हम लोगों ने बचाया, ऊपर से हमें ही मार रहे हैं भाई। देखो सिविलियंस हमारी मदद, हाँ आप बनाओ वीडियो, आप बनाओ वीडियो। यस ले भाई, ये लोग अब गलत कर रहे हैं, अब इन लोगों को पीटना पड़ेगा या फिर भागना पड़ेगा। निकला जाए, ये क्या है, इनविजिबल। ओ भाई साहब, तो अपनी अगली एबिलिटी जिससे हम लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं। वैसे माइल्स को नहीं पता कि वो इनविजिबल हो चुका है, या पता है। ओहो, स्पाइडी को पता है कि उसके पास इनविजिबल होने की पावर है भाई, तो उतने टाइम से ये छुपा के क्यों रखा था यार। अब तो मेरे को लग रहा है कि रॉक्सन की सिक्योरिटी भी मिली हुई ना, उन लोगों ने सिविलियन को बचाया ना, उनसे फाइट लिए, और उल्टा हमें ही मारने की प्लानिंग। नहीं 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 नहीं, अब तो अगर स्पाइडी को पता चला कि हम लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं, तो वो तो और ज्यादा जलने वाला है। एक तो पहले ही वो जलता है कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, और ऊपर से इनविजिबिलिटी। आय हाय हाय, एक मिनट, ये लोग सूट डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा नया सूट जो माइल्स और गैंकी दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है और बनाया है भाई साहब। वैसे ये सूट भी अच्छा है, लेकिन भाई अगर हम कहें सच में, तो मेरे को व्हाइट वाली पसंद आती है कसम से। ओ, पीटर का कॉल आ गया। वो देखो तुम लोग को राइट साइड में एक दिख रहा है कैमोफ्लेज, वही है हमारा इनविजिबिलिटी का। आई थिंक वो जितने टाइम तक रहेगा तब तक हम लोग इनविजिबल हो सकते हैं। ये रहा हमारा दूसरा बॉक्स। भाई ये तो हम भी शॉक में है कि यार, मतलब फीन कैसे। फिलहाल हम लोगों को अभी एक रिपेयर शॉप पे जाना है, तो चलो ना यार, क्या बोलते हो, व्हाइट वाली सूट पे दोबारा आ जाए। चलो हम लोग एक रिपेयर शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये शॉप तो बंद हो रखी है भाई। स्पाइडरमैन नाम है, ब्रैकेट में चोर भी होना चाहिए था। अभी हम लोगों को एविडेंस चाहिए। सही बात है यार, यहाँ पे ब्रिक्स का क्या काम। और भाई साहब, ये एंट्री का इंतजार था भाई। हाँ, और ये जो रूम है, ये कुछ तो गलत है। ये वही वो है ना अपना चचा जिन्होंने वो बॉक्स दिया था।
Video uploads straight to the bugle. There's a second video. और ये दूसरे वीडियो? ये क्या हुआ? उसे चोट लगी हुई है और वो बोल रही है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही। और शिट, 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 शिट। गेट इनविजिबिलिटी। हाय। अरे, हो जा भाई। लग गए। ओके, हम लोग वैनिश हो चुके हैं एकदम पूरे तरीके से। शर्ट 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 निकलो यहाँ से पहले। तो एक मिनट, अब ये देखो हमारा कैमोफ्लाज वाला बार फुल हो रहा है धीरे धीरे। तो अब ये देखना है कि इन लोगों को निपटाना कैसे। तो सबसे पहले हम लोगों को आई थिंक उस ऊपर वाले बंदे को उड़ाना चाहिए, कैमोफ्लाज करके उसके पास चलते हैं और सीधा बूम अटैक देते हैं। डाउन, किसी को पता भी नहीं चला। आराम से इसको बुला लेते हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा, ऊपर नहीं आ पाया, सॉरी, माय मिस्टेक। बट कोई बात नहीं यार, इतने लोगों से तो डायरेक्ट भी लड़ सकते हैं। ये भी गया, आ जाओ भैया। अरे यार, तुम कोने में बैठ के इंतजार कर रहे हो कि दोस्त को बचाएंगे। दोस्त को ऐसे नहीं बचाया जाता, मस्त बचाया जाता है। देखो ऐसे, हाँ, निपट गया भैया जी। और ये लोग भी सिनेमेटिक फाइट का मजा ले रहे होते भाई, देखते हो तुम लोग। सबसे पहले गन वालों को थोड़ा एनिमेशन में पीटने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो उनको भी दे लेते हैं। बोला नहीं, इनको तो डायरेक्ट भी पीट सकते हैं यार, इनके लिए कैमोफ्लाज की क्या ज़रूरत। इतने तो ये लुल्ला आदमी है, तो न है यार। चलो, अब आई थिंक हम लोग उसका लास्ट लोकेशन तो आई थिंक फ़ोन का ट्रैक कर ही सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि रिंक और फिन टिंकरर क्यों बन, ये कौन है? एक मिनट, अभी कोई था ना? अभी हम लोगों को चलना है रॉक्सॉन लैब, तो फिलहाल चल के मिलते हैं ना यार। फिलहाल अब ये तो पता करना है भाई कि फिन का फोन। ओके भाई, ये बिल्डिंग थोड़ी बहुत ज्यादा सिक्योर्ड नहीं लग रही है। भैया चिपक जा भाई मेरे। अरे चिपक जा भाई मेरे यार, कितना प्यारा था यार ये रॉक्सॉन सिक्योरिटी। अच्छा हाँ, तब तो अच्छा हुआ यार अपने साथ हम पे हाथ उठाया था ना सालो, हमें मारने की कोशिश। ये लो, पूरी एनर्जी वो कर लियो। हाँ, वैसे भी हम लोग जा नहीं पाते यार उसमें। अबे यार, ये घूम के दूसरे पंखे से ले आया यार भाई। वो सोचो सामने गया, उधर से घूम के उधर आ गया भाई। ऐसे एग्जॉस्ट लगाए क्यों रखे हो? शिट 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 शिट। ओरे भैया, भाई सही टाइम पे वो हुआ है भाई। तो हट जाओ हट जाओ हट जाओ, कोई नहीं है कोई नहीं है। अरे हटना स्पाइडी। अरे शिट, ये कौन है? Prowler? Damn, Miles. We're a skinny-ass kid. You hit hard. Uncle Aaron? अब ये क्या है? अब ये जो अंकल एरन है वो प्राउलर है। इस एपिसोड में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिन हमारी दोस्त थी, वो अलग ही पर्पल गैंग की मेंबर लग रही है या फिर लीडर है जो भी है, और ये अपने अंकल एरन प्राउलर निकल रहे हैं। खैर, मूवी में ये चीज पता था। फिलहाल अंकल एरन अपने साथ है, तो फिलहाल टेंशन की बात तो नहीं है। फ्यूज बॉक्स, अच्छा इनमें से एक पे अपने को इसको ये डालना है, ठीक है। ये लो, अरे भाई साहब ये मजेदार था भाई। और इसको थोड़ा करीब आने दो, तब इसको ब्लास्ट किया जाएगा। ओ, नाइस। अरे यार चुप कर यार, स्पाइडरमैन इन द एरिया। ये वो है साइमन क्रेगर। ये लोग अंधे हैं क्या? ऊपर भाई इतने इंसान के आंखें रिफ्लेक्ट मारने लगती हैं कि ऊपर कोई है भाई। स्पाइडरमैन होने के फायदे तो हैं। ये देखो रास्ते बंद है, नीचे पूरे गार्ड्स भरे पड़े हैं, लेकिन अपन तो डायरेक्ट इधर से जा सकते हैं। अब क्या करना है, किसे पहले निपटाया जाए? अगर इसको निपटाते हैं तो फिलहाल तो कोई नहीं दिखेगा, तो आ जाओ। लेकिन पता सबको चल जाएगा। सॉरी, ओए 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 भाई, जोर बहुत गंदी लग रही है, बहुत गंदी लग रही है। रुक 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 रुक, बहुत गंदी लग रही भाई। ओ तो अभी हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला अटैक नहीं कर सकते, ठीक है यार। अच्छा भाई, मेरे को तो पता भी नहीं था कि तू इधर से आ रहा है, बट फिर भी यार थोड़ा पिटना ज़रूरी है। यहाँ पे गैंगी को लेके आना चाहिए, तो वो ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ पाता है। और अभी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे चाहिए फीन का फोन। ओके, ये फाइट तगड़ी होने वाली है। इसको सबसे पहले तो ऊपर से रोकना पड़ेगा ब्रो, डायरेक्ट तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ओ ये देखो अंधा। और ऊपर चलते हैं और एक एक कर करके निपटाना चालू करते भाई।
ओके किसी कोई नहीं देख रहा चुप 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 एकदम चुप एकदम चुप। भाई साहब उसे तो पता भी नहीं चला होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। आराम से, फिलहाल किसी को भी नहीं पता चला है कि हम लोग यहाँ हैं। देख लिया यार, लपेटो अब। जब देख ही लिया तो फिर टेंशन किस बात का। शिट, एक काम कर, ये ले। हो, इन पंखों को बंद करने का अगर कोई तरीका है तो वो ये। रोक दे। 2 hours later. उसको खोल के हम लोगों ने उसको लॉक कर दिया है और अब वायर्स खत्म, पंखे रुक जाओ। ये रहा उसका फोन। ओह, बैटरी नीड्स अ चार्ज ना यार। ओके, स्पाइडी के पास इलेक्ट्रिसिटी है फोन चार्ज करने के लिए। वाह, ये अपने घर का बिजली बिल गजब बजाता होगा। Seemingly right. Let's make the world safer. Triggering override in 3, 2. Ben. एक मिनट, वो लॉक हो गया। भाई ये क्या कर रहा है? अरे ऐसे में तो रिक मर जाएगा। अरे रिक मत कर, मर जाएगा। मर गया। अच्छा, और इस तरह से उसका फोन गिर गया नीचे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रिक और फिन जो है वो आदमी को बचाना चाहते थे, लेकिन हमारे क्रेगर भाई ने उन्हें लपेट दिया। बोला था ना इसको एनर्जी चाहिए। देखा, तुम्हारा भाई एनर्जी उसे दे जरूर रहा था, बट गलत फॉर्म में दे रहा था। होगा, इससे तो हो जाएगा यार। तो ये कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया भाई, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दी उसको। एक मिनट, और इसके, ओ शिट, स्पाइडी सब लेके चला जाएगा, कुछ कर। अरे लग गए, फोन खराब हो गया, वीडियो गई। अरे भाई, अरे यार ये कौन सी पावर है? भाग 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 भाई, ये कौन सा पावर था? एक तो सबसे पहली बात, ओवर चार्ज हो गया। और अरे नहीं यार, ये फिर से। इधर सुन, ये भी खा और तू भी खाएगा, टेंशन मत ले भाई। डॉस तो कर ही सकते हैं, तुम हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर छीन सकते हो, स्किल्स थोड़ी छीन लोगे। वो भी बचा। अरे वो उधर किसे लड़ रहा है, पागल हो गया है क्या? ये लो, मजे आ गए होंगे। अब हुआ ना भाई प्रॉलर, जब तू ये सब चीज कर सकता था, हेल्प कर देता ना मारने में। ओह शिट, यू टेक द लेफ्ट, आई टेक द राइट। अबे तो तू लेफ्ट क्यों फाइट ले रहा है? लेफ्ट राइट की ऐसे के तैसे, जो दिखेगा सबको मारेंगे, ठीक है? ये लो, अब बोलो हैं, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी है। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, सबको लपेटेंगे। अरे एक मिनट, ये लेजर वाले। सबको लपेट देगा तेरा भाई। फिलहाल यहाँ से निकलना पड़ेगा, बस अपन कुछ भी कर सकते हैं। अपन इन चाहें तो इन सबको लपेट भी सकते हैं और यहाँ से निकल भी सकते हैं। निकल ही जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। अरे प्रॉब्लर, अंकल आयरन का आइडिया ये है कि तुम फीन को फाइट से अच्छा है उसको सीधा बोलो कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो अंडरग्राउंड। अगर माइल्स इसे ज्वाइन करता है तो करना तो पड़ेगा। चल माइल्स, आज की वीडियो में हम लोगों को बहुत अजीब अजीब चीज़ें देखने के मिली। सबसे पहले तो हमारी जो फ्रेंड थी, जो हमारे घर आई थी फीन, वो एक अंडरग्राउंड की मेंबर है, वो पर्पल गैंग की मेंबर है। उससे भी और एक अजीब बात, जो अंकल आयरन जिन्होंने हमें सब में पास दिया था, जिनकी लास्ट टाइम हम लोगों ने मदद की थी, वो प्रॉलर निकले जिन पे माइल्स के डैड ने
फाइल्स बनाए रखी थी। अब पता करना है कि हम लोग फीन के साथ मिल जाएं। मिलते हैं वो अगले वीडियो में, तब तक के लिए।